15 अगस्त 1947 को गांधी कलकत्ता में थे। तो कुछ दिन तो शांति रही कलकत्ता में, लेकिन अगस्त के आखिरी हफ्ते में कलकत्ता में एक बार फिर दंगा भड़क गया। और इस बार दंगों के अंदर जो हावी थे वो हिंदू लोग हावी थे। तो गांधी बड़े परेशान हो गए, तो गांधी बड़े विचलित होने लगे। अब ऐसी घटना उस वक्त हुई कि गांधी सुहरावर्दी के साथ हैदरी मैंशन में, सुहरावर्दी कौन, जो 1946 में बंगाल का मुख्यमंत्री था, जिसको बूचर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का कसाई कहा जाता है। तो हैदरी मैंशन में गांधी और सुहरावर्दी एक ही कमरे में, हैदरी मैंशन एक जगह का नाम था बेलिया घाट में, एक बिल्डिंग का नाम था बेलिया घाट, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका था, वहां पे गांधी सुहरावर्दी के साथ हैदरी मैंशन में रुके। तो ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि आजाद भारत में जो पहली मॉब लिंचिंग की कोशिश होती है वो महात्मा गांधी के साथ होती है। जनता ने कोशिश की, किसी एक व्यक्ति ने नहीं, जनता ने कोशिश की, यानी जनता ने कोशिश की, बिल्कुल जनता ने। 31 अगस्त की रात थी वो, तो भीड़ ने जो है गांधी जी को घेर लिया, एक जबरदस्त हमला किया और उनपे लाठी फेंकी गई। गांधी ने अगले दिन बयान में कहा कि अगर लाठी मुझे पड़ जाती तो मैं मर जाता। प्यारेलाल नय्यर जो गांधी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने बाद में पुस्तक लिखा कि मैं अगर वो गांधी को लाठी पड़ गई होती तो वो शायद गांधी उसी दिन मर जाते। 30 जनवरी 1948 के पहले गांधी की मृत्यु भीड़ द्वारा की जा हो सकती थी, ऐसा उस दिन की स्थितियां बन गई थी। तो जब स्थितियां बहुत बिगड़ गई बेलिया घाट में, तो बेलिया घाट के पास ही गोपाल पाठा रहते थे, तो उस वक्त जो गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी का काम जो देख रहे थे वो निर्मल कुमार बोस देख रहे थे। मैं उनके दर्शकों को बता दूं, निर्मल कुमार बोस जो है वो दुनिया के महानतम एंथ्रोपोलॉजिस्ट में से एक माने जाते हैं। तो बहुत जानी मानी शख्सियत थे, वो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी की भूमिका उन दिनों निभा रहे थे, हैदरी मैंशन में गांधी के साथ रुके हुए थे। तो गोपाल पाठा ने अपने इंटरव्यू के अंदर बताया कि जब उस इलाके में पहले गांधी पर हमला हुआ और गांधी की सुरक्षा में सेंध लग गई, लोगों ने लाठियों से हमला कर दिया, गांधी मरते मरते बचे। इसके बाद एक और घटना हुई कि एक कुछ इस इलाके के मुस्लिम लोग घर छोड़कर जा रहे थे, तो वहां पे एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 या 3 मुस्लिम मारे गए। तो गांधी इस घटना से बड़े व्यथित हो गए और गांधी का भरोसा जो है वो बंगाल और कलकत्ता की पुलिस से उठ गया और लगा कि गांधी का जो कैंप है जिसके अंदर हैदरी मैंशन में सुहरावर्दी भी रह रहा था, खुद गांधी रह रहे थे, गांधी कार्यकर्ता रह रहे थे, ये सुरक्षित नहीं है। तो अहिंसा के पुजारी गांधी ने जो है वो गोपाल पाठा से संपर्क साधा कि इस पे अब कुछ किया जाए। निर्मल कुमार बोस ने गोपाल पाठा को बुलाया और कहा कि क्या आप गांधी के कैंप की उसकी हिफाजत करेंगे क्या? तो गोपाल पाठा अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि पहले आपको गांधी के कैंप के आसपास से पुलिस और सेना को हटाना होगा, सिर्फ मेरे लड़के हथियारों के साथ यहाँ की सुरक्षा करेंगे और गांधी जी को इसके लिए लिखित में अनुमति देनी होगी। ये गोपाल पाठा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने कह दिया कि ठीक है मेरे लड़के गांधी की सुरक्षा करेंगे। गोपाल पाठा कौन, जिसने 1946 के अंदर प्रतिकार लिया था, जिसका विश्वास शस्त्रों पे था, हथियारों पे था, जिसको बाहुबली कहा जाता था। गांधी के लोगों ने गांधी के कहने पर गोपाल पाठा की मदद मांगी, ये बात एक इंटरव्यू में गोपाल पाठा कहते हैं। तो हो सकता है कि आज जो हमारे दर्शक इस बात को सुन रहे हैं उनको ये लगे कि यार गोपाल पाठा की बात पर हम क्यों भरोसा करें, वो एक बाहुबली थे, उनके ऊपर कई पुलिस केसेस भी थे, वो तो उन्होंने हथियारों की बदौलत जो है हथियारों का सहारा देकर जो है हिंसा में हिस्सा लिया था 1946 में, 1947 में भी, तो ऐसे व्यक्ति की बात पे क्यों भरोसा करें, ये सबके मन में सवाल उठ सकता है। मेरे मन में भी ये इंटरव्यू सुनने के बाद सवाल उठा था, लेकिन जब मैं रिसर्च में गया तो निर्मल कुमार बोस, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है माई डेज विद गांधी, जिन्होंने पूरे गांधी के साथ जब अपने नवाखी और कलकत्ता के दिनों में जब गांधी के साथ रहे पर्सनल सेक्रेटरी की भूमिका में, उन्होंने सब लिखा है। तो अपनी पुस्तक माई डेज विद गांधी में लिखते हैं, इसका वर्णन पुस्तक हेराम में किया है। तो निर्मल कुमार बोस के शब्दों में सुने तो लिखते हैं, उन युवकों ने, मतलब गोपाल पाठा के लिए कह रहे हैं कि उन युवकों ने मुझसे कहा कि वह मुसलमानों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें रात में स्टैंड गन का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। उन युवकों ने अनुरोध किया कि गांधी जी पुलिस को यह सलाह दें कि वह बिना लाइसेंस के हथियार, मतलब गैर कानूनी हथियार, बिना लाइसेंस के हथियार रखने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ना करे। मैंने उनकी मांग, ध्यान से सुनिएगा, निर्मल कुमार बोस लिख रहे हैं कि मैंने उन युवकों की मांग गांधी जी को बता दी,
इस पर गांधी जी ने बेहद चौंकाने वाला उत्तर देते हुए कहा कि वो उन युवाओं के साथ हैं। वो युवा कौन थे? वो गोपाल पाठा, वो गोपाल पाठा के लोग थे। मतलब गांधी ने, अहिंसा के पुजारी गांधी ने गोपाल पाठा की मदद ली जब उन्हें अपने कैंप के मुसलमानों की और अपने कैंप की रक्षा करनी चाहिए थी। तो अब जो लोग गांधी के अहिंसावादी विचारों पर चर्चा करते हैं, उनकी अहिंसावादी सोच को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, जितने भी लोग उस सिद्धांत की, उन्हें इस मुद्दे पर भी बात करना चाहिए कि गांधी के जो अहिंसा के सिद्धांत थे वो समय, देश काल, स्थिति परिस्थिति देखकर बदलते हैं।